चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। ये है तेजपुर, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित एक छोटा सा पर बड़ा ही मनमोहक शहर। इस शहर के लोग आध्यात्मिक हैं, सीधे साधे और अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। हमारी कहानी असम की आन बान शान माने जाने वाले सत्रीय नृत्य पर आधारित है और हमारी कहानी है एक समझदार, चुलबुली, प्यारी और साहसी सत्रीय नृत्यांगना सुरभि की। सुरभि खुश है कि इस नृत्य शैली को जितना प्यार मान सम्मान श्रीमंत शंकर देव ने दिया है, उसी प्यार मान सम्मान के साथ असम के लोगों ने इसे अपने हृदय में स्थान दिया है। सन 2000 में भारतीय संगीत नृत्य एकेडमी द्वारा इस नृत्य शैली को भारत के क्लासिकल डांस के तौर पर मान्यता दी गई। सत्रीय नृत्य को देश विदेश में प्रचलित करने की इस जीवन यात्रा में सुरभि को अनोखा प्यार तो मिला, पर कहते हैं ना कि कोई भी सपना हासिल करने की एक कीमत होती है। सुरभि के संघर्ष, नृत्य और प्रेम की एक अद्भुत अनोखी प्रेम कहानी सुरभि। जीती रहो बेटा। Thank you.
जीती रहो बेटा, तुम्हारे प्रदर्शन से मैं बहुत ही भाव विभोर हूं। तुम्हें अपनी शिष्या के रूप में पा करके मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। ये सब आप ही ने तो सिखाया है गुरुजी। बाजोनी, गुरुजी से आज्ञा ले लो, मां इंतजार कर रही होगी। सदा सुखी रहो बेटी। सुरभि की मां, हम आ गए। आ गए आप लोग? हाँ। कैसा रहा प्रोग्राम? सुरभि की इतनी तारीफ हो रही थी कि पूछो मत। लोग तो कह रहे थे कि हमारी माँ जोनी क्षत्रिय नृत्य का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी। वो तो करेगी, आपका सपना भी तो यही है। माँ जोनी, तुम कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। ठीक है माँ। सुनिए, आपका सपना, ये नृत्य साधना, ये सब तो ठीक है, पर हमें इसके साथ साथ सुरभि के विवाह के बारे में भी सोचना चाहिए ना। 22 साल की हो गई है, हम लोग कोई इतने पैसे वाले तो है नहीं कि उसे 2-3 साल और घर बिठा लेंगे। समाज में लोग कई तरीके की बातें करने लगे हैं। अरे कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इन बातों को लेकर हम अपने सुरभि के सपनों को तो नहीं मार सकते ना। सुरभि हमारे लिए बोझ नहीं है जो दिन रात उसके विवाह की चिंता करूं। जब समय आएगा तो हो जाएगा। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना, अच्छा रिश्ता मिलने में भी तो समय लगता है। अरे अभी हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हमारी माँ जोनी क्षत्रिय नृत्य को आसाम से निकालकर पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन करे, अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करे और अपने तेजपुर का भी। वो तो ठीक है, पर यही ठीक है। चलो अब कुछ खिलाओगी, मैं हाथ मुंह धो के आता हूं। एक फॉर्म मुझे भी दे दीजिए। सुलेखा, तू भी एक फॉर्म ले ले। नहीं नहीं यार, मेरी प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं है, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, मैं अगले साल पूरी प्रैक्टिस के साथ भाग लूंगी। तुमको फॉर्म यहीं पे भरना है, घर नहीं लेके जाना, ठीक है? सर, फॉर्म कब तक मिलेंगे? बस कल तक, कल आखिरी डेट है फॉर्म भरने की।
और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? 19 से 24 साल का कोई भी लड़का कॉलेज का या लड़कियां इस डांस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ऑडिशन राउंड्स भी होंगे क्या? हर प्रतियोगी को एक मिनट का समय दिया जाएगा और हमारे जजेस को जिनका डांस पसंद आएगा उन्हें आगे वाले राउंड में भेजा जाएगा। फिर हमारे एक्सपर्ट्स उन्हें ट्रेन करेंगे। बाकी की बातें फॉर्म में लिखी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा सुन, इस कंपटीशन के बारे में हमें सुरभि को भी बताना चाहिए ना? हाँ तो जरूर बताएंगे, यहाँ से सीधा उसके घर पर ही चलेंगे। हाँ वो तो अच्छा नृत्य करती है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नृत्य करती है। मेरी कॉम्पिटिटर है, फिर भी कहती हूँ ये शो वही जीतेगी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? सुरभि शो जीतेगी? कौन सुरभि? ओ भाई लोग, इधर इधर इधर। तुम लोगों में से किसी ने सुरभि का नाम सुना है? नहीं। ये कॉलेज लेवल का स्टेट डांस शो है, कोई बच्चों का खेल नहीं। ये शो अगर कोई जीतेगा तो वो प्रिया और रणदीप। क्या है ना, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सब ना उन दोनों का डांस देखकर ही बेहोश हो जाओगे। फिर कंपटीशन में क्या खाक भाग लेंगे। बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लाने। तुम दोनों अंदर बैठो, फिर आके ढेर सारे गप्पे मारेंगे, ठीक है? नहीं, पहले मेरी बात सुन। तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? तेरा रिश्ता पक्का हो गया क्या? मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही। अच्छा बता क्या गुड न्यूज़? स्टेट लेवल का एक बहुत बड़ा डांस हो रहा है। अच्छा कब कहाँ? सारी इन्फॉर्मेशन तुझे फॉर्म में मिल जाएगी, बस तू जल्दी से फॉर्म भर ले और सबमिट कर ले, कल तक की लास्ट डेट है। इसमें क्लासिकल डांस भी है ना? क्लासिकल, वेस्टर्न, हर तरह के डांस है। मैं तो जरूर भाग लूंगी। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस का पता है तुम दोनों को? हाँ थोड़ा बहुत पता चला है। तू समझ गई ना सारी बातें? तो अभी हम लोग चलते हैं, तू बाजार जा, कल सुबह जाके तुरंत फॉर्म भर देना। ओके ठीक है, ठीक है, चल बाय। देवता, देवता। अरे अरे आराम से, पैर में मोच आ जाएगी फिर नृत्य कैसे करेगी? देवता पैर में मोच आ जाए या पैर घायल हो जाए, नृत्य तो मैं ऐसा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे तुम तो बाजार गई थी सामान लेने, फिर खाली हाथ और इतनी खुश भी हो, बात क्या है? अरे देवता बात ही ऐसी है कि आप भी सुनेंगे ना तो आप खुशी से झूम उठोगे। अरे ऐसी क्या बात है? अभी मेरी सहेली आई थी, कंचन और सुलेखा। अरे कंचन वही ना जो गुरुजी के वहां नृत्य सीखती है? हाँ हाँ वही कंचन, अब चुप बैठिए, बीच में टोके मत। वो बता रही थी देवता कि इंटर कॉलेज स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है डांस का, और उसमें हर तरह के डांस होंगे। फॉर्म बटना भी शुरू हो गया है, कल लास्ट डेट है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी, कल सुबह सुबह जाकर ही फॉर्म ले लूंगी। देवता ये कॉम्पिटिशन तो मैं हर हाल में जीत कर ही रहूंगी ना, बढ़िया चांस मिला है ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और आप देखिएगा हमारे क्षत्रिय नृत्य को बहुत जल्द पूरी दुनिया जानेगी, और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और गुरुजी भी खुश है ना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसे बोलूं, तुमने तो टोकने को मना किया है ना। ओफो आप भी ना, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे भाई अच्छा अच्छा, जो खबर तुमने सुनाई है ना ये सुन के तो मुझे नाचने का मन हो रहा है, पर क्या करूं मैं नाच नहीं सकता ना। पर हाँ तुम्हारे पसंद की मिठाई जरूर खिला सकता हूँ, ये थैला मुझे दो।
मैं अभी बाजार से तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की मिठाई लेके आता हूँ। हमें इनकी तारीफों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, क्योंकि ये हमारा बेस्ट नहीं है। अभी तो बहुत मेहनत करनी है। करूं, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े ना करूंगी, क्योंकि ये शो हमारे अलावा तो कोई जीत ही नहीं सकता। क्यों? तो फिर हो जाए ग्राउंड और रणदीप, चैंपियनशिप ना स्टेट लेवल की है। हाँ, तो मतलब ये अगर ये कंपटीशन जीतना है ना तो तुमको और कुछ नए स्टेप्स लाने पड़ेंगे। ओके, तो एक काम करो, तुम दोनों कुछ नए स्टेप्स सोचो, तब तक मैं और रणदीप रिहर्सल कर लेते हैं। क्यों? ठीक है रणदीप, चलो फिर हम रिहर्सल करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज अब स्टेज खाली कीजिए, हमें भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है? इस बहनजी वाले गेटअप में डांस रिहर्सल करोगी या अपनी ड्रेस संभालोगी? आपको डांस के बारे में कुछ पता भी है? हम लोग क्लासिकल डांसर है, आप लोग प्लीज स्टेज खाली कीजिए ना। ओ हेलो, अभी ये स्टेज खाली नहीं होगा, क्योंकि अभी हम रिहर्सल कर रहे हैं। और वैसे भी आज के जमाने में तुम्हारा देखता कौन है ये सो कॉल्ड क्लासिकल डांस? लोगों को नींद आ जाएगी। छोड़ो ना प्रिया, चलो रिहर्सल करते हैं। चल। और अब तुम लोग निकलो यार, जब हमारा रिहर्सल खत्म हो जाए ना उसके बाद आना। और इनका रिहर्सल कब खत्म होगा? वो तो पता नहीं जी। चलो सुरभि को बुलाते, इन लोगों से तो सुरभि निपटेगी। Broken up,
क्या हुआ प्रिया, थक गई या एक राउंड और? एक्सक्यूज मी, तुम हमारे क्षत्रिय डांस के। अच्छा, और तुम हमारे वेस्टर्न डांस के कर लोगे? जाओ यहाँ से। चार स्टेप क्या, हम 8 स्टेप कर लेंगे वेस्टर्न डांस के, पर तुम हमारे डांस नहीं कर पाओगे। रणदीप को चैलेंजेस बहुत पसंद है। चलो ठीक है, एक शर्त रखते हैं। तुम हमारे वेस्टर्न डांस के 4 स्टेप कर लो और हम स्टेज छोड़ देंगे।